गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग जय श्री राम मसूरी से हम लोग निकल के कैंटी फॉल आए हैं, जो कि मसूरी से तकरीबन 15 किलोमीटर है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तकरीबन आपको आधा घंटा 45 मिनट का रास्ता है ये, और इसको एक नाम से जानते हैं, पहुँच झील मार्ग के नाम से कैंटी फॉल को। ये रास्ता दिखाऊँ आपको, ये रास्ता है ऑन द वे ऑफ कैंटी फॉल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मसूरी में सुबह हुई है हमारी और यहाँ से मैं निकल चुका हूँ कैंटी फॉल के लिए, जिसकी दूरी तकरीबन इनसे 14 किलोमीटर है और समय लगेगा तकरीबन 2 घंटे। भाई इसके पीछे वाला जो पहाड़ी है उस पे देखो बर्जन हो गया। और ये है कैंटी फॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त व्यू है। अर्पित भाई क्या व्यवस्था है यहाँ पे? जय श्री राम, ये कैंटी फॉल है झील, आप देख रहे हैं बिल्कुल साक्षात ऊपर से पानी आ रहा है जो बिल्कुल काफ़ी अच्छा, और इसकी जो छोटी छोटी बूंदे आती है, बौछार आती है, वो काफ़ी अच्छा बढ़िया लग रहा है, चेहरे पर पड़ रहा है, मज़ा आ जा रहा है, बिल्कुल ताजगी बिल्कुल फील हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो फेस पे उसका जो ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, वो आ रहा है। देखिए ये लड़के फोटो खिंचाने की मुद्रा में है, जबकि उनको नहीं पता कि ये वीडियो बन रहा है। ये लोग फोटो बार बार चिल्ला रहे हैं, पैसा देते नहीं है, एक पैसा ये लोग फोटो ही नहीं खींचेगी। वो लड़का कौन है? वो लड़का कौन है? वो सुल्तान पांडे है, और ये सुनी है जो सिर्फ बीसी करते रहे। पहाड़ों में और पहाड़ों वाली मैगी अगर ना खाओ तो फिर बेकार है। ये बाटा बिल्कुल भाई, ये मैगी बहुत शानदार मैगी सी थी भाई, एक नंबर बहुत बढ़िया। भैया मैगी कितने का दे रहे हैं आप? कितने की है आपकी? 70 की है। 60 रुपए की? अच्छा, ये सरकारी कैंटीन है, हर जगह 70 की है, भाई साहब के पास सिर्फ 60 की है। जल्दी सब लोग आओ, यही खाते हैं। अब सूर्य भाई ट्राई करने वाले हैं बॉल, चलो ताकत से मारो, ये पांचों गिराना है। तुम ऐसे ही मारो, ऐसे ही मारो। हाँ तेज से मारो, तेज से। यार ये टच भी नहीं हुआ भाई, ये नहीं माना भाई, ये नहीं माना। ऐसे नहीं होता भाई, ये आप 50 भाई, शक्ति भाई, ये भाई भी अपना ट्राई करना है। ये लोगों का क्या बताऊं, ए बॉल कहाँ फेंक दिया? अबे भाई बॉल कहाँ गया? अबे तुम लोग से टच भी नहीं हुआ भाई, क्या मतलब है ऐसा? हमारे ट्राई कर लो तुम भी, लेकिन टच तो करा देना कम से कम। लाओ लाओ भाई, 150। कैंटी फॉल से अपनी प्लानिंग है धनवटी जाने की, जो कि बहुत ही खूबसूरत कस्बा है, और इसकी दूरी में बताऊं मसूरी से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर की दूरी है, और टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटा लग जाएगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। किधर अभी अपने को वहाँ जाना है? लाल गाड़ी जा रही है, वो नीचे जा रही है व्हाइट बिल्डिंग के पास। अच्छा अच्छा, ये उससे ऊपर जो रेड कलर की गाड़ी जा रहा है, वो ऊपर सारा मुड़ गया, वहाँ जाना है। उससे भी वो उधर राइट में जो रोड जा रही है उधर हेलीकॉप्टर भी चल रहा है उधर, देखिए वहाँ पे। अच्छा वो चिल है, ये ऊपर चिल है। एक हमारे मित्र हैं जो देखिए कहाँ मूत्र, सॉरी मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। अरे फोटो खिंचवा लो, ये बच्चे जो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर डेली कर रहे हैं।
आने दो, आदमी बच्चों को आने दो। देखिए घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, लेकिन देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तक छुट्टी हो गई बाबू, घर जा रहे हो? वेरी गुड। हेलो ये लोग तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर रोज जाते हैं यही पहाड़ी एरिया में पढ़ाई करने। अभी हम लोग धनवटी जा रहे हैं ना, मसूरी से धनवटी जा रहे हैं, जिसकी दूरी तकरीबन 35 किलोमीटर है, जो कि कस्बा है। मसूरी से धनवटी जाने के रास्ते में आपको ढेर सारी एडवेंचरस एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरस कैंप है यहाँ पे, जहाँ आप आके जिप लाइन, बंजी जंपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलो हम लोग भी कुछ एक्टिविटी वगैरह करते हैं। ये भाई साहब हैं और इनका जो पैकेज है, ये पैकेज है, आप देख सकते हैं क्या पैकेज है यहाँ पे सारी एक्टिविटी का। ठीक है, इसका क्या कॉस्ट है? 500। और ये जो फोर व्हीलर वो लगा है वो वाला, उसकी सर ऑफ रोडिंग होती है। किधर आई है? फ्री फॉल हो जाएगा सर। फ्री फॉल का वीडियो दिखाइए। अच्छा ये वाला देख रहा है क्या? कमजोर हो गया लाइट में तो बिजली में। ये इनका कार्ड है, नंबर भी इसमें है, आप आके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इनको। आप लोग देख रहे हैं मैं जिप लाइन करने के लिए रेडी हूँ, और ये मेरा पूरा पोशाक है, आप देख रहे हैं पोशाक। अब मैं घुसने वाला हूँ सर, घुसने वाला, निकलने वाला। हेलो सर, आई एम रेडी फॉर दिस। बढ़िया लगा, टाइट है यार। ये मसूरी का सरकुंडा माता मंदिर जी का मंदिर है, जो कि मसूरी से डोनाल्टी जो आते हैं आप, तो वहाँ पे है। माँ का मंदिर काफी ऊंचाई पे है, अगर आप ट्रैकिंग करने में असमर्थ हैं तो आप जिप लाइन ही लें, ज्यादा बेहतर है। जिप लाइन की कॉस्टिंग 200 रुपया पर हेड है। भाई आप ऊंचाई देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हम लोग, काफी ऊंचा। अरे सर डर लग रहा था, सूर्या की सबसे ज्यादा फटी हुई है। देखिए भैया मामला बहुत टाइट है, और ये कह रहे हैं आवाज करने से लोड बढ़ता है। ये नया साइंटिफिक चीजें आई हैं। देखो ये आएगा, देखो ये आ रहा है, और उनका और ऊपर जाएगा। अच्छा रोक दिया सर, ये बगल वाले वो देखो कहाँ दिखा, वो देखो कहाँ चढ़ा है, बंदर ले गया यार, बंदर ले गया। बंदर याद आ रहा है, बंदर बात करने वाली चीज है। बुराई ना करो भाई, जर्जर रहा है बता देते ही, कोई बुराई नहीं, बुराई ना करो, बुराई ना करो भैया, जर्जर रहा ही रुकी है। सब ठीक है, 11 रास्ते पर गई है, महारानी दो दो तो अलग अलग हो जाएंगे बीच रास्ते, ऐसा कुछ नहीं होगा, आते हो दो आदमी कौन बिठाया जाएगा इसमें, बीच रास्ते में रुक गई है भाई, चले दीजिए। बीच रास्ते नहीं, बीच हवा में, बीच तो बीच हवा में रुक गई है। अच्छा ये सोचो चले दीजिए।
और ये है आपका सरकुंडा माता मंदिर। अंदर आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है, बाहर से आप व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं ये मंदिर काफ़ी सुकून वाला है क्योंकि ऐसे लोकेशन पे है और यहाँ से व्यू ऐसा है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो बहुत ही मन को शांति मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर मसूरी आए तो यहाँ जरूर आए। ये बिस्कुट का रुपया का 15 रुपए का सर, 10 क्या करें हर मारो को लाने में सर किराया भाड़ा तो लगना है। नहीं ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों मसूरी के सारे स्पॉट कवर हो चुके हैं हमारे। ये है आपका ISBT बस स्टैंड, यहाँ से आपको हर जगह की बसें मिल जाएंगी। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश के लिए और चलिए कल आपको ऋषिकेश घुमाते हैं।